नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट केसरी। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैच की सीरीज का पहला टेस्ट का चौथा दिन आज खेला जा रहा है। कल तीसरे दिन श्रीलंका के बल्लेबाजों ने दूसरी इनिंग में बढ़िया बैटिंग करते हुए 9 विकेट खोकर 329 रन बना लिए थे। श्रीलंका की दूसरी पारी में बढ़त 333 रन की कर ली थी। क्रीज पर दिनेश चांदीमल 86 रन बनाकर अपने शतक के करीब थे और उनका साथ प्रभात जयसूर्या दे रहे थे। तीसरे दिन की अगर बात करें तो श्रीलंका की तरफ से दिनेश चांदीमल 86, ओशादा फर्नांडो 64 और कुशल मेंडिस ने 76 रन से अर्धशतक लगाए। तीसरे दिन श्रीलंका 41 रन पर 2 विकेट से आगे खेलना शुरू किया और फर्नांडो और कुशल मेंडिस ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 91 रन की साझेदारी की। इसके बाद याशी शाह ने फर्नांडो को बाबर आजम के हाथों कैच आउट कराया और ये साझेदारी तोड़ी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए एंजेलो मैथ्यूज ज़्यादा देर तक नहीं खेल पाए और नवाज के गेंद पर फर्स्ट स्लिप पर खड़े बाबर को कैच दे बैठे। कुछ देर के बाद सेट बल्लेबाज कुशल मेंडिस भी याशी शाह के शानदार गेंद पर बोल्ड हो गए। मेंडिस ने 125 बॉल खेलकर 76 रन बनाए। इसके बाद पहली पारी में अर्धशतक लगाने वाले चांदीमल ने धनंजय डिसिल्वा के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 40 रन की साझेदारी की और स्कोर को 218 रन तक पहुंचाया। 218 रन के स्कोर पर याशी शाह ने धनंजय डिसिल्वा को बोल्ड कर श्रीलंका को छठा झटका दिया। इसके बाद नवाज ने डिकवेला को आउट कर श्रीलंका का 7वां विकेट गिराया। फिर चांदीमल ने रमेश मेंडिस के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए महत्वपूर्ण 32 रन की साझेदारी की और स्कोर को 250 के पार किया। इसके बाद नवाज ने रमेश मेंडिस को भी आउट कर टेस्ट क्रिकेट में पहली बार 5 विकेट हासिल किए। रमेश मेंडिस ने 22 रन बनाए। लेकिन दूसरी तरफ से दिनेश चांदीमल अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए दूसरी पारी में भी अर्धशतक लगाया। टेस्ट क्रिकेट में चांदीमल का ये 23वां अर्धशतक है। इसके बाद 9वें विकेट के लिए चांदीमल और महेश तिक्षणा ने 41 रन जोड़े और लीड को 300 के पार किया। महेश जब श्रीलंका का स्कोर 307 रन था तब हसन अली की गेंद पर विकेट कीपर को कैच थमा बैठे। इसके बाद चांदीमल और प्रभात जयसूर्या ने आखिरी विकेट के लिए महत्वपूर्ण 29 रन जोड़े और लीड को 341 तक पहुंचाया। चौथे दिन की सुबह श्रीलंका केवल 4 ओवर ही खेल पाई और आखिरी विकेट प्रभात जयसूर्या के रूप में गिरा जिसे नसीम शाह ने बोल्ड किया। दिनेश चांदीमल ने 94 रन बनाए और अपने शतक से चूक गए। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद नवाज ने 5 विकेट लिए, याशी शाह ने 3 और नसीम शाह और हसन अली को 1-1 विकेट मिला। अब पाकिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए 341 रन बनाने हैं। क्रीज पर इस समय पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक खेल रहे हैं। पाकिस्तान का स्कोर 24 रन पर 0 विकेट है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।